हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। सादिक संजरानी साहब सेनेट चेयरमैन बन गए, लेकिन इतनी बाजगश्त है कि उसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन पीटीआई ने आज ऐलान किया कि वो 29 अप्रैल से एक बड़ा जलसा करेंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। वो बड़ा जलसा लाहौर में होगा और पीटीआई के ऐलान के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत भी करप्शन में तार तार है और पंजाब हुकूमत के करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल सामने लाए जाएंगे, यानी कि सियासी दंगल इसी तरह चलेगा। इस सारे तनाजुर में होगा क्या? बहुत दिनों से ये सवाल उठा हुआ है, क्या होगा, इसी पे हम बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूँ। मुझे ज्वाइन किया है लाहौर से सीनियर तजिया निगार इफ्तखार अहमद साहब ने, मुझे ज्वाइन किया है ज़ईम कादरी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा हैं, पंजाब हुकूमत के वज़ीर हैं, तर्जमान भी रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर पीटीआई के सेनेटर मोहसिन अजीज साहब और एमकेएम पाकिस्तान के साजिद अहमद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। चारों मेहमानों को रूबरू में वेलकम। इफ्तखार साहब, ये 29 अप्रैल से लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो रहा है, पीटीआई का बड़े जलसे करना चाह रही है और आज ऐलान कर दिया कि पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल्स हम सामने लाएंगे, कितना दबाव होगा मुस्लिम लीग की हुकूमत पर पंजाब में? सबसे पहले दबाव तो होगा पीटीआई पे और फिर होगा पीटीआई के कारकुनों पे। 29 अप्रैल को टेम्परेचर लाहौर का होगा मेरे ख्याल है 38 के करीब, और तपती हुई अपना सड़कें होंगी, ऊपर से सूरज होगा, और अगर शाम को जलसा करेंगे तो सारा दिन की गर्मी होगी, और अगर हवा शुरू हो गया तो लग पता जाएगा। और फिर ये करना चाह रहे हैं कि जी सिर्फ शहबाज शरीफ बुरा है, शहबाज शरीफ बुरा है, और भाई ये गर्दान तुम्हारी हमने सुन ली कि बुरा है बुरा है, अब अच्छा क्या है? मतलब हमारे लिए पैगाम क्या आपका पीटीआई का? मैं ये कोई पैगाम नहीं होता कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर को हटा देता हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर को हटाने लगा हूँ, ये कोई पैगाम नहीं है। पैगाम ये है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिनकी वजह से आपने नवाज शरीफ को हटाना मुनासिब समझा है और अब आप शहबाज शरीफ को हटाना चाहते हैं, वो वजूहात क्या हैं? करप्शन तो एक वजह हो सकती है ना, तो बाकी चीज़ें क्या हैं? मतलब करप्शन के लिए आप 10 नंबर रख लें, 20 नंबर रख लें, तो बाकी जो 80 नंबर की खामियाँ हैं वो क्या हैं? उन खामियों की निशानदेही करें और फिर मुझे बताएं कि आप वो खामियाँ नहीं करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। मसलन आप मुझे बताएं कि अगर उनका तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है तो आप मुझे मुतबादल तालीमी निज़ाम दें ताकि 10 नंबर मेरे पास हों। अगर आपका निज़ाम अच्छा तो मैं आपको वोट देने के बारे में सोचूं, अगर उनका निज़ाम अच्छा चल रहा है मैं उनको वोट दूंगा। फिर इसी तरीके हेल्थ के बारे में आप आ जाएं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप आ जाएं, फिर बेरोज़गारी के बारे में आ जाएं, फिर किसानों के बारे में आ जाएं, मज़दूरों के बारे में बात करें, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें, तो इस तरह करें ना। ये तो आपने जो दंगल शुरू किया हुआ है ना गैर मुइना अरसे का, ये नुकसानदेह अब और ये नॉन प्रोडक्टिव होता जा रहा है। आप अपने लेकिन वजीर आजम जो थे नवाज शरीफ उनको उन्होंने हटवा दिया, उसके बाद पार्टी सदारत से वो तो सुप्रीम कोर्ट के नंबर से हट गए, तो पीटीआई की अचीवमेंट तो बनी है ना। नहीं पराचा साहब, इस अचीवमेंट का 100 नंबर दे दूं मैं उनको और इसी अचीवमेंट पे मैं अगला इलेक्शन उनको दे दूं, ऐसा नहीं होता पराचा साहब। ये जो तबाही हो रही है पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से, पाकिस्तान की सियासत में नजरियात या प्रोग्राम नहीं है, और जब तक नजरियात और प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर मुझे बताएं किस लिए इलेक्शन करना है? एक चेहरे को हटा के दूसरा चेहरा लेके आना। मतलब जब ये आसफ जरदारी के खिलाफ सारा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ था, मैं उन चंद बेवकूफों में से था जो मैं कह रहा था कि एक पहली बात है कि वो अपना टेन्योर पूरा करेगा, और दूसरा मैंने कहा था उसके जाने के बाद कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहेंगी, और वही हुआ। आसफ जरदारी चला गया तो क्या यहाँ पे दूध की नहरें बहने लग गई? लोगों के घर गैसों जो गैस थी वो सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, लोगों के घरों में पानी आने लग गया,
हमारे जो नहरी पानी वो बढ़ गया हमारा। आप फरमा रहे हैं कि अल्टरनेट प्रोग्राम हो अगर किसी सियासी जमात के पास तो फिर तो वो पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, इसी नुक्ते पर रहिएगा। सेनेटर मोहसिन अदीब साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लेकिन ये इफ्तखार अहमद साहब ने बड़ा नुक्ता उठाया कि अगर सिर्फ करप्शन की बुनियाद पे आप जलसे करेंगे, लाहौर से इंतखाबी मुहिम का 29 अप्रैल से ऐलान किया गया आज ही किया आपकी पार्टी ने, तो जब तक अल्टरनेट प्रोग्राम नहीं होगा, वो हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ करप्शन, एंटी करप्शन, करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने से बकौल इफ्तखार साहब आपकी पार्टी इलेक्शन ले जाएगी? देखिए बात यह है कि अगर आप हेल्थ की बात करें तो आपको मालूम है कि UNDP की जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान स्टैंड्स टू बी द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सोमालिया से। और ये तो होगी आपका मुतबादल बताया ना यार। नहीं नहीं नहीं, मेरी अर्थ सुन लेना आप मुतबादल बताएं, ये तो मुझे पता है कि रिपोर्ट गलत है। देखिए आप करेंगे क्या, मतलब जो अस्पताल चल नहीं रहा उसको आप चलाएंगे कैसे? आप मुझे बात अगर करने देंगे तो मैं को जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा मेरा जी मैं बात करने दूंगा ना, रिपोर्ट पर नहीं चलेगी ना। जी जी नहीं नहीं, आप मेरी अर्थ सुन लें फिर उसके बाद बात करते हैं। जी जी सेनेटर साहब जी, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में वी आर द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। नंबर टू, जो हमारे थोड़े से इन्फेंट है उसमें भी वी आर स्टैंडिंग एट नंबर 7, नंबर 8 पोजीशन। एजुकेशन में आपको पता है कि हमारी क्या सिचुएशन है कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा बाहर है, और उसके बाद जो है प्राइमरी एजुकेशन के बाद भी हमारा जो है वो ड्रॉप आउट जो है इस मोर देन 50%। उसके बाद जो उसकी बात आप समझ लें कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, आज हमारी ग्रोथ जो है वो आप बताते हैं कि 5.5% है, 6% है, जो कि एक्चुअली नहीं है। उसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ है, और हमारी जो है जो पॉपुलेशन है वो अलग बढ़ रही है। अब इन तमाम का जो है अगर आप मुझसे पूछें कि इसका हल क्या है, तो इसका हल सबसे पहले जो है वो करप्शन है। क्योंकि करप्शन जो है जो ये जन्म लेती है, तो ये तमाम चीजें जो है उसके साथ मदर ऑफ ऑल इवल जो है वो करप्शन है। इसलिए क्योंकि जब हम इस खेल में लग जाते हैं और इस तरह के हम चीजें बनाते हैं, हमारी प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, हमारी प्रायोरिटी जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये जो हमारे सेक्टर हैं जिनसे कि आवाम की बहबूद होती है वो जो है वो खत्म हो जाती है और हम दूसरी तरफ लग जाते हैं। तो जिस तरह से हम मेट्रो की बात अगर आप करें, इस तरह मुल्तान में जो है वो हमें पहले ही बता रहे हैं कि 90 से 1 लाख आदमी उस पर ट्रेवल करेगा, आज उसके ऊपर बमुश्किल जो है 30-35 हज़ार आदमी ट्रेवल करता है। तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। व्हाई डिड यू डू इट? इतना पैसा उसके ऊपर लगा, 25-30 बिलियन उसके ऊपर लग गया, उसके अलावा जो है आप रोजाना उसके ऊपर सब्सिडी देंगे जस्ट टू कीप योर फेस के जी आपने क्योंकि एक प्रोजेक्ट किया है, यू विल कीप ऑन रनिंग इट। इसी तरीके से देखिए आपके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, आपके समझ लें कि ये मुल्तान सखर एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि बड़ा अजीब तरह का काम हुआ, और वो ये काम हुआ कि प्रोजेक्ट के टेंडर होने के बाद जो है उसको इंसेंटिव दिए गए जो कि तकरीबन 15 अरब रुपए के इंसेंटिव थे कि आपके पास जो है जो कि सेल्स टैक्स वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ों से जो है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट एक तरफ ऊपर हो जाती है, दूसरी तरफ आप करप्शन का बूक खोल देते हैं। सेनेटर साहब आपकी बात से क्लियर होता है कि जिस नुक्ते की तरफ इफ्तखार साहब इशारा कर रहे थे, आप उसी पे डिटरमिंड हैं कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में करप्शन सामने लाई जाए और आपकी इलेक्शन कैंपेन चलेगी, इसी नुक्ते पर रहिएगा। ज़ैन कादरी साहब, करप्शन की बात अभी आप सेनेटर साहब की बात सुन रहे थे, PTI ने आज ऐलान भी किया कि पंजाब हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल सामने लाए जाएंगे और 29 अप्रैल से इंतखाबी मुहिम का आगाज भी लाहौर आपके शहर से किया जा रहा है। दबाव तो फिर होगा ना आप पे जब ये लाहौर में बड़ा जलसा होगा, बड़े ऐलानात होंगे, बड़े बड़े स्कैंडल्स के शवाहद बकौल PTI सामने रखे जाएंगे। देखिए एक तो मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि PTI का और इमरान खान साहब का जी ये जो ख्वाहिश और जिसको वो बहुत तुरंत इम्तियाज बना रहे हैं कि हमने निकाला नवाज शरीफ को, ये उनकी गलत फहमी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जहां तक निकाला नहीं, तो उनकी कैंपेन नहीं थी क्या? निकाला ज़ैन कादरी साहब, उनकी कैंपेन नहीं थी क्या? मैं खत्म
कैंपेन में से कैंपेन से निकलते होते तो सबने सबको निकाल दिया होता ना। हमने भी केपी के से उनको निकाल दिया होता, उन्होंने हमें पंजाब से निकाल दिया होता। अगर इस तरह निकालना होता तो सब कैंपेन करके निकाल लेते। यहाँ तो कौमी इतिहाद पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा था, भुट्टो को निकाल नहीं सका था, जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा के उसको फांसी लगाना पड़ा था निकालने के लिए। अब इमरान खान साहब को सियासत का इल्म ही नहीं है तो मैं उनको सियासत क्यों सिखाने जाऊँ। जो बात उन्होंने की है बड़ी सिंपल है, सबको इल्म है किसने निकाला और क्यों निकाला है। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। देखें राज साहब, करप्शन की बात की जा रही है तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या केपीके में करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका गया है, और क्या वो इदारे जो करप्शन के लिए वो तो यही दावा करते हैं ना, वो तो कहते हैं कि हमने एक क्लीन सिस्टम दिया है केपीके में। किधर किधर है वो, हवा में है कि जमीन के अंदर है वो, किधर गया इनका एहतसाब। कमीशन जनरल कहता है 28 मुकदमे, चीफ मिनिस्टर के थे, मैंने उसे कहा इनको करने दो, उसने उसमें ताले डाल दिए। आपने ताले डाल दिए अपने घर में इलेक्शन का नैब पे, अपना जो एहतसाब कमीशन था आज तक उसके लिए आपने दोबारा कोई काम नहीं किया। मैंने तो नहीं आपको कहा था कि आप करें कानून साजी। दूसरी बात देखिए, काम जो करेगा उसके बारे में ही आवाज उठेगी। मुझे बता दें सेनेटर साहब या सिंध से कोई भी या बलोचिस्तान से के एक भी पब्लिक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट किसी ने कंसीव किया हो। मैं अगर 32 प्रोजेक्ट करता हूं पब्लिक सोशल वेलफेयर के, तो इनको तो ऑब्वियसली इन्होंने यही कहना ना कि किस तरह इसको मिलाइन किया जाए। तो कार्डियक सेंटर खोले हैं ना अभी सखर में, दो चार दिन पहले खोला था, बस वही किया है। अब आप अगर चले जाए ना इसकी मोडालिटीज में प्राचा साहब, तो जो सम्राट समेट रहे ना इनके, इन्होंने कहा 30,000 लोग चढ़ रहे हैं, अगर 30,000 हुए मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो सेनेटर साहब सियासत छोड़ दें। बात ये होती है, उन्होंने सब्सिडी का जिक्र कर दिया। अब पढ़े लिखे आदमी को तो ये बात नहीं करनी चाहिए, हकूमत का काम ही सब्सिडी देना है। नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं मेट्रो मुल्तान में या सखर वाले मोटरवे में, तो नैब ने बाकायदा जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। अब नैब तो इनके अंडर नहीं है ना। ओहो यार, तो भाई हुक्म तभी दिया ना कि उस पर कोई काम हुआ तो हुक्म दिया। इनके सूबे में किस पे हुक्म दे दे, वो एक काम किया था बिलियन ट्रीज का, उस पर हुक्म दे दिया उन्होंने। भाई जब कुछ मिलेगा तो मैं हाजिर हूं ना, मेरे तो 32 प्रोजेक्ट है पब्लिक सोशल वेलफेयर के, इनका एक था उसमें भी हुक्म हो गया है। बता दे वो कितने 1,40,00,000,000 दरख्त नहीं निकलेंगे, सजा भी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो गुफ्तगू वो करनी चाहिए जो लोगों को समझ आ जाए। मेरे तो 32 प्रोजेक्ट पे ले आए करें, मेरे तो 32 के 32 पे करें, लेकिन इल्जाम तो तब लगेगा ना कि मैंने कुछ किया हो। इन्होंने किया ही कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट किया था 29 अप्रैल के जलसे के लिए पीटीआई ने ऐलान कर दिया। आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में जलसा होना है, 1 अक्टूबर 2011-12 में बड़ा जलसा हुआ था, उस तरह का जलसा हुआ तो पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग वहां पर बैठी है, क्या महसूस करेगी। कुछ महसूस नहीं करेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान सब का शहर आए 29 को करें, 27 रोज जलसा करें, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। निकली थी 13 में से एक, सुन ले, एक सीट निकली थी 13 में से, इस बार 14 है, इनसे कहीं वो एक भी निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा इमरान खान को। चले इसी नुक्ते पे रहिए साजिद भाई, आप पे मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जब वापस आएंगे तो मैं आपसे यही सवाल टेकअप करूंगा। इंतखाबी मुहिम का ऐलान होने जा रहा है 29 अप्रैल को, कराची में भी पीटीआई अपना शो दिखा रही है, क्या इमरान खान ने कहा कि कराची से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप कितना हीट में बहुत बुरी तरह से एमकेएम से शिकस्त खाई। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि नंबर वन के इमरान खान साहब कहीं जाते हैं रश जरूर हो जाता है, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग इतनी मजबूत नहीं है ग्राउंड पर स्टेट लेवल तक कि वो आगे सर्वाइव कर सके। अच्छा, लेकिन साजिद भाई आपकी भी तो आपस में लड़ाई हो चुकी है, लोकल बॉडीज में आप इकट्ठे थे, मसलन बहादराबाद को मैं नहीं जानता था, पीआईबी को मैं नहीं जानता था, मैं तो एमकेएम पाकिस्तान को पहचानता था। देखिए, अभी भी इसमें कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के पास कोई फेस है तो वो सिर्फ फारूक सत्तार भाई का फेस है कि जिसको दुनिया जानती है, इंटरनेशनल सतह पे उनको सिफारतकार, वजारत, वजीर, मुशीर, पाकिस्तान के सरबरा सब उनको जानते हैं, क्योंकि फेस एक ही है एमकेएम पास और वह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का। और इसी फेस को हमें अच्छी तरह याद है कि इसी फेस के साथ हमने 22 के बाद 23 और 23 से आज तक हम इन हालात में पहुंचे हैं, उन्होंने निकाला है। यकीनन ये फेस ही हमें एमकेएम का आगे एमकेएम की नैया को पार लगाएगा, इंशाल्लाह ताला कश्ती को पार लगाएगा, और हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा, रह गई पीटीआई की बात, गुज़श्ता 5 साल के दौरान कराची में जो
जो बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात के हवाले से कराची के अंदर आपने देखा होगा कि मरदमशुमारी के हवाले से कराची ही के अंदर अभी क्या कहते हैं हल्का बंदियों के हवाले से जो ज्यादा नाइंसाफी हुई है उसमें आज तक कराची में जो जुल्म सितम नाइंसाफी ज्यादा हुई है तो कराची के लोग समझते हैं कि कराची का हमदर्द कराची का खैर ख्वाह कराची का सपोर्टर कराची का के बुरे वक्त में काम आने वाले कौन लोग हैं कौन सपोर्टर हैं तो ये कराची के लोगों को अच्छी तरह पता बहुत बाशोर पढ़े लिखे लोग हैं और इनको कोई इतनी आसानी के साथ बेवकूफ नहीं बना सकता कि मैं कराची से आके इलेक्शन लड़ूंगा तो पूरा पूरा कराची बहरहाल साजिद भाई हर 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 सिटीजन का शहरी का हक है कि वो जिस जमात के साथ जाना चाहे आप यही कह रहे थे इसी नुक्ते पे रुकिएगा इफ्तखार साहब इसी एकेडमिक क्वेश्चन को आपके सामने रखूं फ्रेगमेंटेशन तो है सियासी जमातों में आप कह रहे हैं कि गर्मी होगी सब कुछ होगा लेकिन उनके लोग तो उनके साथ हैं बाहर से भी पीटीआई में आ रहे हैं फिर हम कैसे कहें कि जो बाकी जमातों की सूरत हाल है मसलन रजा हयात साहब मुस्लिम लीग से निकल गए वो पीटीआई में चले गए वो कह रहे थे आप ही के चैनल पर कह रहे थे कि बहुत सारे और भी लोग हैं लेकिन पीटीआई वाद जमात है जिसमें आ रहे हैं लोग प्राचा अब पंजाब में 141 सीटों पे गालबन इलेक्शन होगा अब 141 हो गई ना अब 141 हो गई ना इस नई हल्का मदनियों के बाद मैं ये मैंने ये अर्ज किया कि 141 पे इलेक्शन होगा हर हल्के की अपनी एक सियासी कहानी है और सियासी बैकग्राउंड है सन 1962 के लोकल बॉडीज इलेक्शंस 1970 का इलेक्शन जो है वो बुनियाद है पंजाब के अंदर हलकों में जो धड़ेबंदी है उसकी उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई 1985 में गैर जमाती इंतखाबात से और अब एक तब्दीली आ रही है जो बाहर से पैसा कमा के लोग आए हैं और वो अपना मुकाम चाहते हैं हलकों में अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुल के हमायत कर रहे हैं अब पीपल्स पार्टी अगर एक आदमी को टिकट देती है और दूसरा आदमी जो उसको टिकट नहीं मिलता उसका पास दो ऑप्शंस हैं मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई एक में से वो एक वो ले लेगा और अगर कोई बहुत ताकतवर आदमी होगा वो आज़ाद हो जाएगा जिसकी बरादरी बहुत बड़ी है वो आज़ाद हो जाएगा वो इस चुंगल से आज़ाद रखेगा अपने आप को शहरों के अंदर नवाज शरीफ का अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक मुकाम है एक पोजीशन है क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात थे उनसे उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिली है बहरहाल उन जो लोग इलेक्ट हो गए हैं आप भला कहें वो पैसा कमा रहे हैं वो ठेके ले रहे हैं वो फ़ायदे उठा रहे हैं ये आपकी बात दुरुस्त होगी लेकिन बहरहाल वो एक सियासी जमात के साथ वाबस्ता तो हैं और उस सियासी जमात के पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से वो अपनी मुहिम का आगाज़ करें और अब जब नवाज शरीफ का ये बयानिया है कि मैं तब्दीली के लिए हूँ मैं लड़ने के लिए आया हूँ तो उसका भी कुछ 4% या 5% उसका वोट बढ़ेगा इस सूरत हाल में पीटीआई को अपना मुकाम बनाना है और ये बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा मुझे लगता है कि सीट टू सीट पीटीआई को फैसले करने पड़ेंगे चले इसी नुक्ते पर रहिए इसी नुक्ते पर रहिएगा मुझे ब्रेक लेना है नाजरीन ज़हीम कादरी साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं सादिक संजरानी साहब आप चेयरमैन सेनेट बन गए हैं लेकिन अभी तक आपकी पार्टी बहुत सारी रिजर्वेशन शो कर रही है कल मियां नवाज शरीफ भी कह रहे थे कि पता नहीं फला फला उनकी गद्दी पे कैसे पहुंचे कौन उनको लाया बलूचिस्तान से वो हैं छोटा सूबा है महरूम याफ्ता सूबा है अब एक इलेक्शन हो गया आगे बढ़ना चाहिए मैं ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा नाजरीन स्टे विद अस देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से ज़हीम कादरी साहब सेनेट का इलेक्शन हो गया डिप्टी चेयरमैन भी मुंतखब हो गए चेयरमैन भी मुंतखब हो गए अब सादिक संजरानी साहब हजम नहीं हो रहे शायद आपकी पार्टी से मियाँ साहब कल बातें कर रहे थे अब कोई पिटिशन टाइप भी आ रही है कि उनकी एज नहीं बनती वो चूंकि एक्टिंग प्रेजिडेंट नहीं बन सकते लेकिन वो बलूचिस्तान से हैं जो बुनियादी नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ छोटे सूबे से हैं पहली बार वो चेयरमैन बने कबूल कर लेना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए क्यों कबूल नहीं किया जा रहा अगर प्राचा मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी इफ्तखार साहब एक पटिशन और आ रही है जी सर के
क्या चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ऑफ असेंबली के लिए मुसलमान होने वाली शर्त लाजमी है या नहीं है? चले आगे चलें। आईन में तो कोई मुसलमान की शर्त नहीं है, ना 62C जो कि सेनेटर की एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है उसमें है, ना चेयरमैन का जो आर्टिकल है 60 है प्रोबेबली, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। जी ज़हीम कादरी साहब, बहरहाल इसमें आ रही है ना। और एक और भी पिटीशन मेरे ख्याल में जेरे गौर है जिसमें ये कहा गया है कि इन साहब ने अगर सदर मुमलकत बाहर जाते हैं तो सदर बनना है, सदर के लिए एज 45 साल है, इनकी गालिबन नहीं है। मैं इसमें नहीं जाता, मुझे सिर्फ ये बता दें पराचा साहब कि मैं आपको उम्र के हिसाब से नहीं, मेरे ख्याल में आप दोनों साहबान यहाँ बैठे हैं जो अपने आप भी और इफ्तखार साहब भी, मेरे ख्याल में मेरा बल्कि मैं साबित कर सकता हूँ कि इस वक्त लिविंग सहाफ़ियों में सीनियर तरीन लोग यहाँ पे दो मौजूद हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको 30-30 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, 40-40 साल, आप मुझे ये बता दें कि आपने कभी इन साहब का नाम सुना था? मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा, चलें बताएं। देखिए नाम सुना या नहीं, मैंने सेनेटर मोहसिन अजीज साहब का नाम ऑनेस्टली पहले नहीं सुना था, पर आपके सामने बहुत अच्छा बोलते हैं, कैरेक्टर वाले हैं, स्ट्रेंथ वाले हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं। होंगे, मैं तो नहीं कह रहा होंगे, नहीं है चेयरमैन सेनेट बनाया है, यानी पहली बार अगर कोई आ सकता है तो उसके लिए कदगन तो नहीं है, दरवाजे तो बंद नहीं किए जा सकते। पहली बार सेनेटर बने ना यार, मोहसिन भाई तो पहली बार सेनेटर बने, फाइन, काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, मुझे कोई इतराज नहीं है। ओ भाई पहली बार सेनेटर बने, साथ चेयरमैन सेनेट भी बन गए, अब यार मुझे भी दे दे कुछ तरह का चिराग यार। नहीं ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन है कि जो पहली बार सेनेटर बनेगा वो चेयरमैन नहीं बन सकता? चलो अब आप ये कह रहे हैं तो मैं आपसे तो बहस ही नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं ना तो फिर मोरालिटी, सियासी जदोजहद, सियासी गुफ्तगु जो आप करते हैं आज के बाद मत कीजिएगा प्राज साहब। देखिए मैं आपकी आपकी ओपिनियन ले रहा हूं कि वो बंद मुंतखब हो गए, मौजूदा सेनेटर ने उनको उनको वोट दिया। मेरी मैंने आपसे ये ओपिनियन पूछ तो क्यों दिया, किसने दिया, किस वजह से दिया, को पता भी तो लगे। चले चले इसी नुक्ते पे रहिए, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, सवाल आया है कि किसने मुंतखब किया, कैसे वोट मिले, मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखिए एक जमहूरी अमल था, जमहूरी अमल था, देखिए उनकी जहाँ तक काबिलियत का सवाल है, उनकी इंटेग्रिटी का सवाल है, वो तो जिस वक्त के फील्ड में कोई आदमी आता है उसके बाद वो प्रूव करने की कोशिश करता है, उसके बाद एक असेसमेंट हो सकती है कि हाउ डिड ही प्ले हिज इनिंग। जो भी औरत आती है, मर्द आता है, जो भी आता है वो अपने आप को एक प्रूव करता है। ये तो काबिलियत की अगर बात है तो मैं समझता हूँ कि आज अगर हमारा कोई फाइनेंस मिनिस्टर है या कोई इंटीरियर मिनिस्टर है, हो सकता है उससे ज्यादा काबिल लोग मौजूद हों, लेकिन एक पार्टी उसको सिलेक्ट करती है और वो पार्टी के जोन के ऊपर उसके इख्तियार उसको मिलता है, फिर हुकूमत की बागडोर को मिलती है, उसके बाद फिर जो है ये मुस्लिम लीग का तो एतराज है सेनेटर साहब के, ना उनकी पार्टी थी ना वो पहले सियासत में इतने एक्टिव थे, वो अचानक चेयरमैन कैसे बन गए, कादरी साहब यही कहना चाह रहे हैं। देखिए तो ये देखें एक सरप्राइज था जो कि सारे मुल्क के लिए सरप्राइज ऐसे है कि बलूचिस्तान से तो आज दिन तक कभी कोई सेनेट का चेयरमैन नहीं बना, तो एक सरप्राइज थी, एक हमारे लिए भी एक इस तरह की बात थी कि एक जमहूरी अमल भी हो जाए और साथ ही साथ है एक महरूमियत जो है एक सूबे की है वो ये बात मुनासिब है कि ये जो है ना कोई उसके आने से महरूमियत खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन एक एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन जो है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, फिर वो आके वहाँ पे बात कर सकते हैं। क्योंकि सेनेट में तो हमने 3 साल में यही देखा कि जो भी बलूचिस्तान का सेनेटर होता है वो उसकी महरूमी की और उसकी जो है ये जो बार बार मुस्लिम लीग कहती है, मुस्लिम लीग के अमायदीन उनके लीडर कहते हैं कि जी इन जी अर्ज करूं कुछ जी प्लीज प्लीज मैं वो कहते हैं पंजाबी में जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमरे भी सियाने, हम MBA करके LLB करके 28 साल हो गए हैं इसी सड़कों पर मार रोड में मार खाते हुए, कपड़े फड़वाते हुए, जेलें जाते हुए, हमें तो सुबह वजीर नहीं बनाया कभी, बनाते हैं हुकूमतों की दाने तो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है, हम इधर तो दाने से कम है। कहाँ है सर, मेरे पास तो नहीं है शाह साहब, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ठूठे में दाल खाने वाला आदमी हूँ, चल के देख ले मेरे घर पे, लंगर में दाल खाता हूँ यार।
लेकिन सेनेटर साहब जो मैं आपके सामने नुक्ता रखना चाह रहा हूं, इनका ये कहते हैं कि जी के चेयरमैन साहब को संजरानी साहब को कौन लाया, ये अभी भी पूछ रहे हैं, कल भी पूछ रहे थे, ये पिछले हफ्ते भी पूछ रहे थे, इनको पहली बात का भी जवाब नहीं मिला आज अभी तक कि मुझे क्यों निकाला। आज दूसरा सवाल इनका आ गया कि उसको कैसे लाए। तो एक जमहूरी अमल हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें वोटिंग में सबसे पहले हमने उनको प्रपोज किया है, उसके बाद बैंड वैगन में अमल जरूर हुआ। मोहसिन भाई जमहूरी है या नहीं, इस पे शक है? प्लीज मुझे बात करने दें, प्लीज मुझे बात। मैं कहूँ सॉरी, मैंने सिर्फ आपको मजाक किया है। मैं कह रहा हूँ अमल हुआ है लेकिन जमहूरी है कि नहीं इसका पता नहीं है। जमहूरी क्यों नहीं है? देखिए जब आप लोग हार जाते हैं तो आप लोग कहते हैं जमहूरी नहीं है यार, जब फैसले आपके। अच्छा, दो सवाल, एक सवाल कर लूँ, एक सवाल। ये जो है ना, ये डिसीजन अच्छा है, ये कोर्ट तो बड़ी जो है, आपने वोट दिया उनको, स्टैंडिंग है। अब देखिए मैं तो दो तीन बातों की बात कर रहा था। एक तो ये सेनेटर साहब वो पूछ रहे हैं, आपने वोट दिया था अपना संजरानी साहब को? बिल्कुल मैंने दिया था। हाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिया था। तो ये जमहूरी, आप उनको जानते थे पहले? क्या जमहूरियत की मैं चंद रोज पहले मिला था उनसे, और मुझे एक बड़े तीन साल लगे थे वो, और हमारी पार्टी की तरफ से हुक्म था और पार्टी लाइन के मुताबिक मैंने जरूर जी। बिल्कुल सेनेटर साहब, इसी नुक्ते पर रहिए, इसी आपकी पार्टी का फैसला था, आपने वोट दिया। साजिद भाई, अभी एक इशू और चला हुआ है कि जी लीडर ऑफ दी अपोजिशन पीटीआई से होगा या लीडर ऑफ दी अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा, आप किस साइड पे खड़े हैं? इस वाले से बिल्कुल जो फारूक सत्तार भाई ने अभी गुज़श्ता चार दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे जो सेनेटर हैं वो पीटीआई के नुमाइंदे को वोट देंगे। अच्छा, अपोजिशन लीडर अगर उनका आएगा तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो इसलिए कि मेरे ख्याल में मौका सबको मिलना चाहिए और सबको आगे आके काम करना चाहिए। अगर आज तक पीटीआई को मौका नहीं मिला तो मेरे ख्याल में एक मौका अपोजिशन लीडर तो कम से कम हम उनको सपोर्ट करेंगे। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ यह है कि थोड़े बहुत नज़रियात हमारे उनके मिलते ज़रूर हैं। अच्छा, वो भी पाकिस्तान में करप्ट पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ हैं और एमकेएम भी पाकिस्तान के अंदर। कराची में स्पेस दे देना, अभी तो मुखालफत कर रहे थे आप कराची में। नहीं, स्पेस तो हमने दिया हुआ है, हम तो मना नहीं कर रहे। हम तो अपनी कारकर्दगी गिना रहे थे, हम मना नहीं कर रहे। मैं तो ये कहा कि बिल्कुल आईनी कानूनी हक है, आए इलेक्शन लड़े। अच्छा है कि दो चार पार्टियों में कंपटीशन होता है तो उसमें काम और अच्छा। एक नुक्ता मैं और आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, जो सिंध में सिंध हुकूमत के इश्तहारात हैं, तस्वीर आती हैं, पंजाब में पहले नोटिस लिया, कोई 40-45 लाख रुपए जमा भी करवाने होंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, चूंकि सिंध के हवाले से है, मैं आपकी ओपिनियन जरूर जानना चाह रहा हूँ इस हवाले से। बहुत अच्छा स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का ये, कि अरबों लाखों रुपए करोड़ों रुपए इश्तहारात की मद में सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सिंध के हवाले से बहुत सारे स्टैंड लेने हैं। सिंध में लूट मार का बाजार गर्म है, बल्दियाती इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए लेकिन आज तक उनको इख्तियारात और नए फंड दिए जा रहे हैं। पूरा का पूरा करप्ट सिस्टम इस वक्त सिंध के अंदर बैठा है, जो कि माफिया बन के दीमक की तरह पूरे सिंध को खा रहा है। ना इधर पानी का सिस्टम, ना सेवरेज का सिस्टम है, ना रोडे, ना ब्रिजेस, ना स्कूल, ना कॉलेजेस, और ना ही हॉस्पिटल इधर इस काबिल हैं कि लोग वहां जाके इलाज करा सके। मेरे ख्याल में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा काम करना है। सिंध के हवाले से मुझे स्टैंड ले पराजा साहब, इसी नुक्ते करेगा साजिद भाई जी। इफ्तिखार साहब, यही सवाल आपके साथ कि मीडिया चलता है एड्स पे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर ये एड्स रुक गई या फोटोज नहीं हुए तो एड देने वालों का क्या इंटरेस्ट होगा, और अगर एड्स नहीं आ गए तो मीडिया कैसे चलेगा? थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए जी, ये तो बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग फैसला करेंगे। हम लोग तो मुलाजमत करते हैं, अगर उनको ऐड मिलेंगे तो हमें तनख्वाह मिल जाएगी, उनका तो मौकफ यही है। वो कहते हैं अगर ऐड हमें नहीं मिलेंगे हम आपकी तनख्वाहें बंद कर देंगे, जब वो सूरत हाल आएगी तो फिर देखेंगे। अभी मेरे दोस्त कराची वाले बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है ये सारा का सारा अख्तियार फिर सुप्रीम कोर्ट ले ले, और जब सुप्रीम कोर्ट अख्तियार लेती है तो हम चिल्लाते हैं कि जी मुदाखलत हो गई है। बात यह है, सियासी जमातें अभी तक डिलीवर नहीं कर रही, खुदा के लिए सियासी जमातें अब डिलीवरी की तरफ भी आ जाएँ। मैं करप्शन के इल्ज़ाम लगाना, किसी को बुरा कहना, किसी की टांगें खींचना, अब मेरा दोस्त जो है, आई एम श्योर कि इज़ फ्राम एम क्यू एम,
तो एमकेएम कब से वहाँ पे हुकूमत कर रही है, जब मैं 1980s के बाद वहाँ पे हुकूमत कर रही है। अगर वो वहाँ पे गंदी नालियाँ नहीं बना सकी बेहतर, अगर सीवरेज का निज़ाम नहीं बना सकी, तो मैं हैरान हूँ। पूरा शहर इनके साथ था, पूरा शहर, ये इतने खुशकिस्मत जमात है, पूरा शहर, अच्छा बुरा इंसान सब इनके साथ था। अगर ये तब्दीली लाना चाहते सिविक निज़ाम में, तो कराची में वो निज़ाम आ सकता था जो लंदन में है, जो फ्रांस के पेरिस में है, जो स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन ये नहीं कर सके, ये नहीं करना मैं चाहते थे। मैं बताऊंगा तो क्यों, इसकी वजह क्या, अगर मुझे क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे जी जी साजिद भाई, क्या बताएंगे एक मिनट है आप फिर भाई, क्या बताएंगे। हाँ मुझे एक्सप्लेन बताइए जी, क्या मतलब किसने काम नहीं करने दिया जी साजिद भाई, लास्ट करने मैंने मुकम्मल। अच्छा देखिए, नंबर वन ये कि आपने कहा कि जमहूरी लोग हैं और सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जरूर रही है, लेकिन कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को 70% डेमनी देता है, कराची को भीक 2% देता है वफाक। रेवेन्यू शेवेन्यू कोई नहीं देता, गलत बात ना करें, गलत बात ना करें, हम यहाँ पर 40 साल लेकिन हम सड़कों की इफ्तिखार भाई, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें सिर्फ अगर मौका मिला इस 30-35-40 साल में, तो सिर्फ परवेज मुशर्रफ के 4 साल थे कि जब बलदियाती इलेक्शन हुए और दुनिया ने देखा कि हम चेंज भी लेके आए। उसके अलावा जो हमारे 35 साल गुजरे हैं वो सिर्फ क्राइसिस में, वो सिर्फ अफरा तफरी में, उसी को ले हो। सिर्फ हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ सबको पता है जो जो कुछ हुआ है और आज तक। साजिद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हमें रखा हमेशा आजमाइशों में गया है। आज एमकेएम पाकिस्तान बनी है, फारूक सत्तार भाई एक साफ सुथरा फेस है। हम ये कह रहे हैं, अच्छा आज आज भी रूल वही है जो पुराना था। हम आपके फेस को बुरा नहीं कह रहे थे ना, मैं आपके फेस से तलक रखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप चाहते हैं अपने शहर को बेहतर करने को, तो कोई रोक नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। लाइन को चेंज किया। जैन कादरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, साजिद भाई बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारी तरफ से इतना कुछ, अपने मेजबान शौकत पर राजा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।